दोस्तों स्टडी मोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस के टेस्ट लेंगे हम आपका आपका कितना तैयारी हो चुका है। 25 क्वेश्चन होगा इसमें, आपके पास 10 मिनट है। मैं क्वेश्चन बोलूंगा और आपको वीडियो वहीं पर रोककर उस क्वेश्चन का आंसर अपने नोट्सबुक पर लिखना है और फिर आगे बढ़ना है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बोलते जाऊँगा आगे बढ़ते जाइएगा वीडियो को रोक कर। मैं आंसर फिर जब सारा क्वेश्चन बोल दूंगा 25 तब मैं आंसर आपको बताने शुरू करूंगा। तो ये टेस्ट जरूर आप लगाइएगा और अपना बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। सबको बताना है कि मैं इतना क्वेश्चन किया, मैं इतना, किसी को शर्माना नहीं है। मैं एक प्लेटफॉर्म आपको यह दिलाया हूं तो आप जरूर बताइएगा, तभी एक किसी के अकॉर्डिंग हम आपको तैयारी करा सकते हैं कि आपका कितना सही जा रहा है। कमज़ोर लोग और जो तेज है सबको साथ में लेकर चलना है। मैं कल 200 का टेस्ट लिया था, आप लोगों का शिकायत था कि सर ये यूट्यूब पर टेस्ट लिया जाए, यूट्यूब पर टेस्ट लिया जा रहा है सबको साथ में। और मटेरियल के लिए मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट में, मैं उसको PDF वहाँ डाल दूंगा और साथ में मैं व्हाट्सएप पर भी PDF कर दूंगा जो व्हाट्सएप पर लोग हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम पर, क्योंकि व्हाट्सएप का 250 से ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा आपको मटेरियल मिलने वाला है। तो आइए हम देखिए, लेकर बैठ जाइए कॉपी कलम। देखिए ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होंगे जो कि 10 मिनट में आपको सॉल्व करना है। मैक्सिमम 10 मिनट आपको मिल रहा है, 5 ही मिनट में सॉल्व कर दिए तो वहीं जाना। पहला क्वेश्चन आपका है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है। जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 दिया है ऑप्शन ए में, बी में अनुच्छेद 19 के का, सी में अनुच्छेद 21 दिया है, डी में अनुच्छेद 29 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है। ऑप्शन ए है 14 दिन पहले, ऑप्शन बी है 1 महीना पहले, ऑप्शन सी है 3 महीना पहले, ऑप्शन डी है 6 महीना पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितनी होनी चाहिए। सब क्वेश्चन हम बताए हुए हैं आपको, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए ये पूछा है। ए में 25 दिया है, बी में 30 दिया है, सी में 35 दिया है और डी में 40 दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द है। हिंदी से क्वेश्चन है, हिंदी से भी क्वेश्चन लिए हैं, सब विषय से क्वेश्चन लिए हैं। जलद, मदन, अरविंद, अचला, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन 5वां है कि लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है। लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है। अपनी असलियत भूलकर बातें करना, भीख मांगकर गुजारा करना, संघर्ष करना या इनमें से कोई नहीं। वीडियो रोककर आपको क्वेश्चन का आंसर लगाना है तब आगे बढ़ना है। हाथों हाथ में कौन सा समास है। समास पर हम एक वीडियो भी बनाए थे तो हाथों हाथ में कौन सा समास है, अगर समास का वो वीडियो आप देखे होंगे 2 दिन पहले का, तो ये आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है, ये 7वां के आंसर बताइएगा जरूर। ठीक, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह था। जो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कहाँ था, जहाँ से व्यापार होता था। ए में दिया है लोथल, बी में कलीबंगा, मोहनजोदड़ो, सतकुर्दा दिया था। ठीक, तो 8 जो है उसका लगाइएगा। 9 जो है, हड़प्पावासी किस धातु से अपरिचित थे। तो हड़प्पावासी किस धातु से अपरिचित थे, हड़प्पा सभ्यता वाले लोग, तांबा, कांसा, पीतल और लोहा, ये भी क्वेश्चन लगाइएगा। उत्तर बिहार विख्यात है, उत्तर बिहार किस लिए विख्यात है, ये क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। ये BPSC का क्वेश्चन है, उत्तर बिहार किस लिए विख्यात है जरूर लगाइएगा, आपको याद भी होगा ये। क्वेश्चन नंबर 11 कि श्वेत क्रांति का संबंध है। श्वेत क्रांति का किससे संबंध है, डेयरी के सघन विकास, मछलियों का विकास, फसलों का विकास या फलों का विकास, ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन राज्य है। ये बार बार मैं बताता हूँ आपको, जब बताता हूँ क्वेश्चन तो इसमें जरूर बताता हूँ, गेहूँ, चावल, गन्ना, ये सब, लीची, ये कहाँ उत्पादन होता है बताइएगा। निम्नलिखित में कौन से सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट है, इसमें से किसमें ज़्यादा सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट है, तो आप बताइएगा। आलू में है कि बंद गोभी में है कि अंडे में है कि मछली में है। ठीक है, ये बताइएगा हमको। रक्त के साधारण थक्के बनाने और रक्त स्राव को रोकने के लिए आवश्यक विटामिन है। ठीक, इसमें कौन है जो रक्त स्राव को थक्के जो जमा देती है जब चोट लगता है, कटता है, तो विटामिन ए है कि विटामिन डी है कि विटामिन ई है कि विटामिन के है। ये क्वेश्चन ईमानदारी से लगाइएगा, क्योंकि जो बिहार पुलिस के एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ ईमानदारी ही आपको बरतना होगा। विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में कौन सी बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी हो जाता है शरीर में तो कौन सी बीमारी होती है, लाल रक्त सेलों का कम बनना, खराब पाचन, कमजोर दृष्टि, दिल की बीमारी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का सतही तापमान कितना होता है। पृथ्वी के जो अंदर क्रोड होता है उसका तापमान पूछ सकता है, पृथ्वी का अंदर का तापमान पूछता है, नहीं तो सूर्य का सतह का तापमान पूछता है, तो कितना होता है ये जरूर बताइएगा। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है। जो ये बार बार क्वेश्चन हम साइंस में बताए हैं, अभी साइंस जो लिए थे, सब क्वेश्चन प्रीवियस जो भी वीडियो लिए हैं उसी से है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है ये भी बताइएगा। कोई वस्तु निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उसका क्या एक समान रहेगा।
स्वतंत्र रूप से गिर रही है, एक समान वेग से गिर रही है तो क्या उसका स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो क्या उसका एक समान रहेगा, चाल, वेग, त्वरण या बल। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है, मतलब कि सुबह का तारा या भोर का तारा किसे कहा जाता है, मंगल को कि शुक्र को कि बृहस्पति को कि शनि को, ऑप्शन देखकर लगाकर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत में प्रमाणिक देशांतर रेखा है, जो भारत में प्रमाणिक देशांतर रेखा है वो क्या है, 82 डिग्री पूर्वी है, 82.5 डिग्री कि 84.5 डिग्री कि 86.5 कि 87.5, ये बिहार पुलिस में क्वेश्चन आ चुका है। जो नदी डेल्टा का निर्माण करती है वो है, वो कौन सी नदी है, महानदी, ताप्ती नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। मैंने बताया था कि जो नदी डेल्टा निर्माण करती है कैसे निर्माण करती है, डेल्टा क्या होता है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, मन्नार की खाड़ी जो है वो कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन है, तो हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में या भूमध्य सागर में, ठीक है। 23 जो क्वेश्चन है कि न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर किस राज्य में है, जो न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है नेपानगर में कागज का उद्योग होता है वो किस राज्य में है, ठीक है, ये भी बताइएगा। फायान जो आया था किसके शासनकाल में भारत आया था, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में या चंद्रगुप्त मौर्य के काल में या डी समुद्रगुप्त के काल में, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा। साइलेंट वैली किस राज्य में है, साइलेंट वैली जो है वो किस राज्य में स्थित है, ये लास्ट हुआ आज का क्वेश्चन, आज का 25 क्वेश्चन खत्म। अब ये क्वेश्चन आपको अभी वीडियो को रोक लेना है और अभी आंसर नहीं देखना है आपको, अब मैं इसका सोल्यूशन बताने शुरू करूंगा, ठीक है, पर अभी आपको नहीं देखना है इसे, ठीक है, तो आप पहले इसे लगा लीजिएगा फिर मैं सब सोल्यूशन बताऊंगा, आप सोल्यूशन बताने स्टार्ट करूंगा तो आप बताइएगा कितना क्वेश्चन सही किए कितना गलत, जरूर ईमानदारी से बताइएगा, इसलिए मैं यूट्यूब पर टेस्ट ले रहा हूं। तो जो प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है ये एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक दिया गया है, और ये कौन सा अनुच्छेद में आता है, तो स्वतंत्रता के अधिकार में आता है, जो अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक है, ठीक है। अभी तक 6 हम लोग का फंडामेंटल राइट है, मैंने मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 32 को जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर ने इन्हें संविधान के आत्मा के दर्जा दिया गया है। तो आर्टिकल 19 के कम में किसमें दिया है, तो प्रेस की स्वतंत्रता, बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई है, आ सकता है क्वेश्चन, लगा लीजिएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है, तो राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने की सूचना आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति को सूचना 14 दिन पहले दिया जाता है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। और राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसे सौंपता है, तो राष्ट्रपति को, ये भी याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, अब देखिए उपराष्ट्रपति के लिए आ गया क्वेश्चन, तो उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, 35 वर्ष है, ध्यान रखिएगा। ये कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, संविधान में उपराष्ट्रपति का कहीं वर्णन नहीं दिया गया है, संविधान में क्या दिया गया है, उपसभापति का, राज्यसभा के सभापति को ही हम लोग उपराष्ट्रपति कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से रखिएगा, और इसे कम से कम 35 वर्ष चाहिए, और राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष चाहिए, और राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष चाहिए, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए, और मुखिया के लिए। तो ऐसे करके उपराष्ट्रपति से कोई भी क्वेश्चन आएगा या राष्ट्रपति से, आप आसानी लगा सकते हैं एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द कमल का प्रवाची शब्द है, ये हिंदी से क्वेश्चन है, प्रवाची आपको याद करना पड़ेगा, तो कमल का प्रवाची अरविंद होता है, तो 4 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो लोहे का चना लोग नहीं बोलते हैं, याद रखिए, तो है लोहा का चना चबवा दे, मतलब संघर्ष कराना, क्या कराना, संघर्ष कराना, तो याद रखना, ठीक है, याद रखना, संघर्ष कराना, ठीक। तो 5 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाथों हाथ में कौन सा समास है, हाथों हाथ जो है वो कौन सा समास है, तो अव्ययीभाव समास है, ये क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ आपको, वीडियो देखे होंगे तो मैं पहले बताया हूँ आपको कि कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, जो 16 महाजनपदों की सूची है वो कहाँ उपलब्ध है, तो अंगुत्तरी निकाय में है, ये बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तरी निकाय, इसमें यह 16 जनपद जो महाजनपद थे वो मगध जैसे हुआ, मगध महाजनपद था, ठीक है, ऐसे कर जो 16 महाजनपद थे उनकी अंगुत्तर निकाय में वर्णित है, तो इसका 7 का आंसर सी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख बंदरगाह था, जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका मुख बंदरगाह कौन था, तो वो लोथल था, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लोथल गुजरात में स्थित है, ठीक है, लोथल कहाँ है, गुजरात में स्थित है, ठीक, ये बंदरगाह था किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। हड़प्पा किस धातु से, हड़प्पा वासी जो थे वो किस धातु से अपरिचित थे, तो हड़प्पा वासी जो थे वो लोहे से अपरिचित थे, ठीक है, वो लोहा के बारे में नहीं जानते थे, ये भी याद रखिएगा।
उत्तर बिहार विख्यात है। उत्तरी बिहार किस लिए विख्यात है? तो हमारी कोसी के जो कोसी व्यवहार करती है उसके लिए भी विख्यात है। ठीक, जो आपका 10 हो जाएगा सी हो जाएगा। कोसी को भारत का शोक नदी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए कोसी बार बार उसमें बाढ़ लाती है। कोसी उत्तरी बिहार में बार बार बाढ़ लाती है और इसके चलते वो विख्यात है। श्वेत क्रांति का अर्थ है, श्वेत क्रांति का किससे अर्थ है? तो श्वेत क्रांति का अर्थ है डेयरी उत्पादन माने दूध उत्पादन से है। ठीक है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है। ठीक है, हरित क्रांति गेहूं जो भी दलहन है, जो भी फसल होता है, दलहन नहीं उधान फसल जो होता है गेहूं चावल ये सब उससे है, ये भी याद रखिएगा। हरित क्रांति 1967 से 68 के बीच आया था। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, भारत में जो अधिकतम गेहूं उत्पादक करता है वो कौन सा राज्य है? तो भारत में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, पता है आपको? तो सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाला राज्य हमारा पश्चिम बंगाल है, लेकिन सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सबसे जनसंख्या ज्यादा कहाँ पाया जाता है भारत में, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में, ये भी याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा अगर कोई भी राज्य बॉर्डर बनाता है किसी भी देश से तो उत्तर प्रदेश है। अगर विश्व में देश कोई पूछ देवे तो चीन है, भारत में राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। निम्न में से किसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट है? निम्न में से किसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट है? तो ये मछली में क्या हो? नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, इसमें आलू में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसलिए बोला जाता है कि आलू को उबाल कर खाओ अगर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है तो आप देखते होंगे कि घर में जो लोग भूखे रहते हैं फल के रूप में वो आलू को उबाल कर खाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, तो उनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, 13 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रक्त के साधारण थक्के बनने और रक्त स्राव रोकने के लिए विटामिन है, जो विटामिन होता है जिसे चोट लग जाता है को आपको रक्त बहने लगता है, उस विटामिन अगर नहीं रहेगा शरीर में तो वो बहते ही रहता है, तो वो कौन से विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन के कारण रक्त थक्का बनता है, विटामिन ए के कारण रतौंधी खत्म होती है, विटामिन डी जो होता है वो सूरज के प्रकाश से मिलता है, ये भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन वही है, तो इसका आंसर जो होगा 14 का आंसर डी होगा। 15 क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? आँख की बीमारी होती है, वो कौन सी बीमारी है? तो कमजोर दृष्टि हो सकता है, दृष्टि कमजोर हो सकता है। और विटामिन ए पूछता है कि किसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो कीजिए गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन पाई जाती है, तो 15 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सूर्य का सतही तापमान क्या है? सूर्य का जो सतही तापमान होता है वो क्या होता है? तो सूरज का जो सतही तापमान है वो 5000 डिग्री सेल्सियस है और पृथ्वी के अंदर का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है, तो 16 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है, याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, तो 17 का ए हो जाएगा। और सबसे बड़ा दूरी का मात्रक कौन है? तो पारसेक है। कौन है? तो पारसेक है। कोई वस्तु निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उसका क्या एक समान होगा? अगर निर्वात में कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही है या एक समान चाल से चल रही है तो उसमें क्या होता है? तो उसमें समान त्वरण होता है, त्वरण होता है समान, याद रखिएगा, एक्सीलेशन जिसे हम लोग बोलते हैं। 18 का सी हो जाएगा। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार या भोर का चारा या तारा या सबसे चमकीला तारा या पृथ्वी की बहन या पृथ्वी के जुड़वा बहन या पृथ्वी के जैसा ही दिखाई देने वाला ग्रह, ये कौन है? शुक्र है। शुक्र तो आंसर रह जाएगा शुक्र। मैं आपको बता दे रहा हूँ कुछ, बृहस्पति जो यूनिवर्स के सबसे बड़ा है वो ग्रह है, यूनिवर्स के पूरे माने सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका गैनीमेड जो उपग्रह है ये यूनिवर्स का सबसे बड़ा उपग्रह है और बृहस्पति का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, और शनि के चारों तरफ 5 वलय पाए जाते हैं और शनि को पानी में अगर रखा जाए तो शनि उस पर तरने लगेगा। ठीक, उसका घनत्व जो होता है कम होता है। मंगल का 2 उपग्रह है डिमोस एंड फोबोस। शुक्र जो ग्रह है, शुक्र बुध के बाद शुक्र पड़ता है, लेकिन शुक्र सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है, बुध क्यों नहीं है? जबकि सूरज के सबसे नजदीक बुध है क्योंकि वायुमंडल वहां पर नहीं है। भारत में प्रमाणिक देशांतर क्या है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? आप 20 का आंसर लगाइए ए, 82.5 डिग्री पूर्वी। अगर यही 82.5 डिग्री पश्चिमी रहता तो हम लोग 5.5 घंटा पीछे रखते, लेकिन हम लोग 5.5 घंटा पहले हम लोग को लंदन से 5.5 घंटा पहले हम लोग यहाँ क्या होता है, सूरज निकल आता है और सबसे पहले जापान में निकल आता है, वो हमसे भी पहले है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 का ए, जो कि इलाहाबाद नैनी से पास होता है। तो और अगर टाइम में पूछ रहा है कि हम लोग कितना है तो 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, 1 डिग्री में 4 मिनट लगता है, तो आप लगा लीजिएगा गुणा कर। जो नदी डेल्टा का निर्माण करती है वो है, जो नदी डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा कौन नदी बनाती है? ज्यादातर पूरब के पूरब किधर,
पूरब के बहने वाली नदी बनाती है, पश्चिम की ओर बहने वाली कोई भी नदी डेल्टा नहीं बनाती, तो ताप्ती नदी तो ऐसे ही खत्म हो जाता है, ताप्ती और नर्मदा नदी कभी डेल्टा नहीं बनाती है। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, जो नदी डेल्टा का निर्माण करती है वो है। देखिए 21 का गलत हो गया, देखिए ये देश सुधार लीजिएगा, जो नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है वो पूछ रहा है यहाँ पर, माफ कीजिएगा ये क्वेश्चन देखिए फिर से मिस्टेक हो गया इसमें, यहाँ पर नहीं जोड़ दीजिएगा, ठीक माफ कीजिएगा, माइनर मिस्टेक है, ठीक आप ये क्वेश्चन को हटा सकते हैं, मैं लास्ट में क्वेश्चन और दे दूंगा आपको। जो नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है वो ताप्ती नर्मदा नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। कावेरी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है और गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, जो मन्नार की खाड़ी है वो कहाँ स्थित है, तो हिंद महासागर में स्थित है और श्रीलंका और इंडिया के बीच में पड़ता है, और पाक जल डमरू मध्य भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में पड़ता है। तो 22 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर जो कागज़ फैक्ट्री है वो किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ बन पाया जाता है, भाई कागज़ तो बन से ही ना बनाया जाता है, लकड़ी से ही ना, तो कहाँ बना पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बन पाए जाते हैं। ये भी याद रख सकते हैं, सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, ये भी पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे ज़्यादा होता है। 23 का आंसर सी, फयान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो फयान जो आए थे वो किसके काल में आए थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आए थे, तो 24 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 25 जो है आज का लास्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली किस राज्य में है, तो साइलेंट वैली जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो केरल राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। केरल में सबसे ज़्यादा काजू पाया जाता है, और वास्को डिगामा जो आया था कालीकट बंदर का वो केरल में ही स्थित है। केरल में सबसे ज़्यादा रबर होता है, कल के टेस्ट में मैंने दिया था, केरल में सबसे ज़्यादा नारियल होता है, असम में सबसे ज़्यादा चाय होता है, लेकिन आप दार्जिलिंग टी के नाम सुने होंगे, लेकिन दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है जो विश्व प्रसिद्ध चाय वहीं पर होता है। ब्लैक सोल गुजरात में पाया जाता है, ऐसे कर कर हम देख सकते हैं, माफ कीजिएगा। अब यहाँ देखिए 21 के जगह पर आप एक और क्वेश्चन ले सकते हैं, अगर क्वेश्चन आप नहीं बनाना चाहते हैं कि सबसे छोटा बीज कौन सा है, ये थोड़ा आपका ज़्यादा पड़ जाएगा, भारी पड़ जाएगा आपको, जैसे कि सबसे बड़ा फल कौन सा, ये ले लीजिए क्वेश्चन नंबर आप 21 में ले सकते हैं कि सबसे बड़ा फल कौन सा है, तरबूज, पपीता, खरबूजा या लोडोसिया, लोडोसिया, तरबूज, पपीता, खरबूज या लोडोसिया, तो इसका आंसर जो होगा 23 का, जो कि 21 का मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोडोसिया हो जाएगा। अब 24 का ही 24 क्वेश्चन ही बनाकर भेजिए ना, मैं आप कितना सही कर रहे हैं उसमें बताना, एक क्वेश्चन हटा दीजिएगा, ठीक है। और कैसा वीडियो लगा बताइएगा, ऐसे ही वीडियो मैं संडे के संडे डालूंगा, जारी रखूँ, तो ये भी बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और मेरे चैनल स्टडी मूड को सब्सक्राइब कीजिए। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।